पकड़ लेना कुछ जाए तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इट्स बीन अराउंड एक से डेढ़ घंटा हो गया है जो मैंने अभी जो शॉट दिखाया ना, उसमें क्या है बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ जो रेयर ब्रेक है उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको सिलेंडर है स्लो, उसका वो गियर एकदम से थोड़ा सा और टाइम इसमें लगेगा। और यहाँ हल्की सी ये है बस बैठने का कुछ जुगाड़, और बाकी धूप धूप और धूप, गर्मी लग रही है जबरदस्त। बड़ी कार दे, चैन की ठोकर लगा लो आप। अब हुआ कुछ ऐसे कि जो लेके आया था पार्ट, वो पार्ट अब 2-3 घंटे हो गए, लेकिन उसके बाद में उस पार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है, तब उसको मैं वापस में जाऊंगा। वापस में जाऊंगा अजमेर गेट चेंज कराने, लेके आऊंगा फिर लगाऊंगा फिर हुआ। तो पूरा दिन जा रहा है, पूरा दिन तो वापस मैं अजमेरी गेट गया था, यहाँ से वापस आया आधे घंटे के अंदर में वापस आ गया, और ये हमको मिला है वापस रिप्लेस होके। तो ये वापस लगेगा अपनी जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसमें आप देखो कितना टाइम और लगने वाला है। और आज खाना नहीं खाया मैंने अभी तक, तो कोई लंच बैग नहीं रखा है, पानी पी लिया थोड़ा बहुत, कहेंगे फ़ोन आ रहा है अभी। नया पार्ट लगेगा उसको, वापस वही टाइम लगने वाला है अगेन जितना टाइम अभी दिन में लगा था, तो वो टाइम अब शाम को लग जाएगा। तो सुबह मैं वापस लेने आऊँगा, तो 10-11 बजे वापस ये होगा। और यहाँ पे हम इन भैया से मिले, तो क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, तो हो सकता है आगामी हमारे जो यात्रा रहेगी उन पर हमसे जुड़ सकते हैं आगे के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे के लिए अब हम इनकी भी बुलेट यहाँ सर्विस हो रही है, तो अब तो पहले छोटी छोटी राइड्स भी कर लेंगे यहाँ के लिए, फिर हम आगे लंबी यात्रा के लिए निकलेंगे। और अभी रिसेंट अगर कुछ प्लान हो रहा है, अगर वो खुली रहा तो ये भी साथ में चल सकते हैं। तो आई एम लीविंग, हमारी बाइक वाली कैब आ गई है, अब कल वापस चक्कर काटना पड़ेगा। यहाँ एक और हिमालयन खड़ी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह थोड़ी सी एक हम क्लास लेने के लिए यहाँ आ गए हैं, थोड़ा बहुत छोटा छोटा सेशन, इसके बाद में अगेन अब जो कल बाइक हमने डाली थी अब उसको लेने जाना है यार, तो थोड़ा सा टफ वर्क है कि पूरा जाके आना। और बाकी मैं आगे का सीन दिखाता हूँ, बहुत गजब का सीन होगा। महल एकदम लाइट अप हो रहा है, एकदम लाइट अप हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। And he is here. फ्रंट ब्रेक का जो ऑयल डालता है ना, इसको भी खाली किया इन्होंने अभी। अपन को दिख रहा है, पकड़ लेना कुछ जाए तो। तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे उधर सिटी की तरफ, जो उधर का सीन दिख रहा है एकदम से मेरे को अचानक से दिखा। खा रही है? तो वी आर इन सम काइंड ऑफ कोकचा जो इतना सा है, इसमें से जा रहे हैं, गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। वाओ, सो इट्स बीन 3 डेज और वापस गाड़ी में लेके आ गया हूँ, तो अभी तक भी ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके मॉड्यूलेटर में, ABS के मॉड्यूलेटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मॉड्यूलेटर चेंज होगा। और अभी तक का ऐसा है कि मॉड्यूलेटर अभी राजस्थान में नहीं है, ऑर्डर पे मंगाना पड़ेगा, और 14,000 से 15,000 का मॉड्यूलेटर आएगा। तो देखो अब क्या होता है, अभी कुछ दिनों बाद वापस से एक बार लेके जाना है, देखते अगर क्योंकि था कि उन्होंने बोला कि वैद्य भाई ने कि छोटा बहुत कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो आप एक बार संडे को या उस मंडे को लेके आना नेक्स्ट, ठीक है देखते हैं। तो अभी जो भी है तो एज इट इज़, अभी यह है कि ब्रेक है फ्रंट वाला, पीछे वाला कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, फ्रंट वाला है बहुत लिमिटेड सा ही वो वर्क कर रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक चलाना पड़ रहा है अभी, ऐसा है। तो ठीक है,
वीडियो हम जो भी था अब यहीं एंड करते हैं। जब भी आगे ठीक होगी, जैसा भी होगा तो अपडेट मैं आगे बता दूंगा। और जो लोग बाइक पर्पस से ही देख रहे हैं तो वो लोग आगे वाला वीडियो देख लेना, तो आपको हो सकता है जो भी बोलते हैं ना सजेशन में भी आ सकता है मे बी। तो चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।